अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। और आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू मटन। और जो है मटन, मेरे पास आधा किलो मटन था, तो मटन को मैंने मतलब के आधा किलो मटन था और तकरीबन 3 से 4 अदद बड़े प्याज जो है ना वो मैंने काट के और 2 गठियाँ लहसुन की डाली हैं। तो क्योंकि कोरमा बनाना था मुझे मटन कोरमा, तो इसलिए मैंने वो मसाला जो है वो ज़्यादा बनाया। इसमें मैंने 2 अदद टमाटर, अदरक थोड़ी सी और मिर्चें 4-5 सब्ज़ जो है वो काट के मैंने डाली हैं। और फिर इसको 15 मिनट मैंने गलने के लिए रखा है कुकर में, तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा गल गया। और फिर इसमें मैंने दही ऐड किया है 2 चम्मच बड़े खाने के चम्मच, वो डोंगे के चम्मच जो होते हैं बड़े, वो भर के मैंने दही के ऐड किए हैं। और कोरमा मसाला ऐड किया है और अब ऑयल डाल के तो इसको मैं भून रही हूँ। जब ये अच्छे से भून जाएगा तो इसमें मैं ये आलू मैंने धो के काट के धो के रखे हुए हैं, ये इनको मैं इसमें जो है वो डाल के भूनूंगी। और सारे मसाला जात जो हैं वो गरम मसाला और शक धनिया पिसा हुआ मैंने वो जो है वो सारी चीज़ें इसमें डाल के, तो मिर्चें नमक हल्दी वगैरह सब कुछ डाल के तो वो मैंने डाल लिया है। गोश्त जो है वो गलने के लिए रखा 15 मिनट, तो वो अच्छे से गल गया और अब उसको मैं भून रही हूँ। तो ये अच्छा सा भून के तो फिर इसको मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ग्रेवी के लिए। तो आप लोग ज़रूर मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिएगा, और जो भी रेसिपी आप लोगों को मेरी पसंद आती है वो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं वो मज़ीद तफसील के साथ आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप लोग, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कुछ सीखें। ये कुकिंग जो है, कुकिंग तकरीबन हर एक को आनी चाहिए। कुकिंग ऐसा एक हुनर है कि ये हर एक के पास होना चाहिए। तो अभी इसको मैं मज़ीद भूनूंगी। इधर ये मेरे पास दूध था, सुबह से मैंने गर्म करके रखा हुआ था, और इसमें बलाई भी थी और कुछ काल वाली भी बलाई मैंने मिक्स की हुई है इसमें। अब इसको मैं 2 चम्मच के बराबर दही जो है वो इसमें ऐड करूंगी और इसको ढक के मैं और जो है वो इधर ही किचन में ही रख दूंगी। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा दही सुबह तक बन जाएगा और फिर मैं मक्खन और लस्सी जो है वो बन जाएगी। और जी, तो यहाँ पे मटन जो है वो काफ़ी अच्छे से भून चुका था, तो अभी इसमें मैंने तकरीबन 3 आलू थे मेरे पास, मैंने वो छील के काट के उनको धो के फिर इसमें ऐड कर दिए। और अब माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से इसको भूनूंगी ताकि इसकी जो है वो ग्रेवी टेस्टफुल हो। जब तक ये अच्छे से भून नहीं जाता तब तक मैं इसको भूनती रहूँगी। तो माशाल्लाह से बहुत जो है वो टेस्टफुल सा ग्रेवी बनेगा इसका।
जी तो यहाँ पे देखिए आलू गोश्त को अच्छे से भून के मैंने वाटर ऐड कर दिया है, और इतना मैं वाटर ऐड किया है जितने में कि आलू जो है वो अच्छे से गल जाएं। तो जैसे ही आलू गल जाएंगे और ये वाटर थोड़ा सा कम हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ये कसूरी मेथी जो है वो ऐड कर दूंगी, और फिर 10 मिनट तकरीबन बिल्कुल लो स्पीड पे इसको मैं दम पे रख दूंगी। तो माशाल्लाह से बहुत टेस्टफुल सा सालन बन जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी सी डिश है। आलू गोश्त जो है वो चाहे मटन हो, चिकन हो या बीफ हो, तो उसके साथ आलू डाल के उसको पकाया जाए तो बहुत टेस्टफुल सा सालन बनता है। तो मोस्टली हम खाते हैं ज़्यादातर आलू के बगैर जो है वो हम खाते हैं गोश्त, तो मीट इस वजह से जो है कभी कभी आलू के साथ पकाने में बहुत टेस्टफुल लगता है और खाने में बहुत टेस्टफुल लगता है। जी तो यहाँ हांडी जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी पक गई है और आलू भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो ये देखें जी गल गए हैं, और अब इनमें मैं मेथी ऐड करूँगी। ये कसूरी मेथी जो है इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और खुशबू भी काफ़ी अच्छी होती है, स्पेशली मीट जो है ना, मीट वाली चीज़ें जो है ना वो जब कुक करते हैं तो उनमें मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और अब इसको मैं बिल्कुल लो स्पीड पे दम पे रखूँगी। बंद हो गया, इसको ऑन करना। तो बिल्कुल लो स्पीड पे मैं अब इसको दम पे रख दूँगी। तो ये बहुत अच्छा सा जो है वो सालन तैयार हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।